नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष समकालीन हिंदी कविता के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि दुष्यंत कुमार त्यागी जी का सामान्य साहित्यिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। दुष्यंत कुमार त्यागी जी का सामान्य साहित्यिक परिचय। दुष्यंत कुमार त्यागी समकालीन हिंदी कविता के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। सच पूछा जाए तो ये हिंदी के बड़े ही लोकप्रिय तथा ख्याति प्राप्त शायर हैं। इनका जन्म 1 सितंबर 1933 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के राजपुर नवादा में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवान सहाय तथा माता का नाम रामकिशोरी देवी था तथा इनकी पत्नी का नाम राजेश्वरी त्यागी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई थी। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में MA किया था। फिर ये मुरादाबाद से BEd करने के बाद 1958 ईस्वी में दिल्ली आकाशवाणी से जुड़े। यही नहीं, इन्होंने मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग में भी कुछ समय तक कार्य किया। इसके पश्चात दुष्यंत कुमार जी स्वतंत्र लेखन भी करने लगे। इन्होंने आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों में कार्यक्रम अधिकारी के रूप में कार्य किया। ये मध्य प्रदेश शासन के आदिम जाति के कल्याण विभाग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में भी कई वर्षों तक कार्यरत रहे। दुष्यंत कुमार जी हिंदी के एक लोकप्रिय गजलकार थे। दुष्यंत कुमार जी का दरअसल मूल नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। कहा जाता है कि उन्होंने 10वीं कक्षा से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। दुष्यंत कुमार जी ने ऐसे तो कई रचनाएं लिखी, उनकी रचनाएं कुछ इस प्रकार है। दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं निम्नलिखित है। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। साये में धूप इनका प्रमुख गजल संग्रह है। एक कंठ 20 पायो उनका एक काव्य नाटक है। मसीहा मर गया एक नाटक है। इसके अतिरिक्त दुष्यंत कुमार जी ने कई उपन्यासों की रचना की, जैसे छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी आदि आदि उपन्यासों की रचना की। वास्तव में दुष्यंत कुमार जी नई कविता के उन कवियों में से हैं जो तार सप्तकों के माध्यम से कविता के क्षेत्र में अवतरित नहीं हुए। इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका काव्य भारतीय जनता की आशा निराशा, हर्ष विषाद आदि को अभिव्यक्त करता है। राजनीतिक दुरावस्था से उत्पन्न सामाजिक विसंगतियों, खोखले सिद्धांतों और दिन प्रतिदिन कठिन होते जा रहे जीवन यापन की समस्याओं से उत्पन्न हताशा की अभिव्यक्ति इनके काव्य में बड़े सुंदर ढंग से हुई है। इनकी कविताओं में व्यंग और आक्रोश का भी मिला जुला स्वर दिखलाई पड़ता है, जिसका प्रमुख कारण आजादी के बाद की राजनीतिक दुरावस्था को भी माना जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि आपातकाल के समय उनका कवि मन इतना ज्यादा क्षुब्ध हुआ कि तब प्रतिक्रिया स्वरूप कवि का काव्य संग्रह साये में धूप प्रकाश में आया। यह एक गजल संग्रह था जिससे
कवि को सबसे ज्यादा ख्याति प्राप्त हुई। हिंदी के ऐसे महान कवि व शायर की मृत्यु दुर्भाग्यवश 30 सितंबर सन 1975 ईस्वी को हृदयाघात के कारण हो गई, जो हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। दुष्यंत कुमार जी मात्र 42 वर्ष की आयु में सदा सदा के लिए पंच तत्वों में विलीन हो गए। अतः हम कह सकते हैं कि दुष्यंत कुमार जी नई कविता के एक प्रमुख कवि हैं और इनकी कविता व गजल हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। ये गजल विधा को हिंदी में लोकप्रिय बनाने वाले एक बहुत बड़े कवि तथा ख्याति प्राप्त शायर हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि हर दौर में, हर देश में ऐसे तो अनेकों महान कवि और कवयित्री पैदा हुए हैं, जिन्होंने मानव को सदैव सन्मार्ग दिखलाया है। उन्हीं कवियों में से एक भारतीय कवि दुष्यंत कुमार जी भी हैं। आशा करता हूँ आप इस वीडियो के माध्यम से नई कविता के प्रमुख कवि दुष्यंत कुमार त्यागी जी का सामान्य परिचय बड़े ही सहज ढंग से प्राप्त कर लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, समझने योग्य लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।